स्टडी आर फर्स्ट लेसन व्हाट इज हमारे कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर का फर्स्ट लेसन ऑन पेज नंबर 3 विल गोना स्टडी व्हाट इज अ कंप्यूटर. सो व्हाट इज अ कंप्यूटर? अ कंप्यूटर इज अ मशीन. सबसे पहला सेंटेंस दिया गया है आपको, अ कंप्यूटर इज अ मशीन. क्यों कंप्यूटर मशीन क्यों है? व्हाई कंप्यूटर इज अ मशीन? एवरीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका काम आसान करती हो, यूजिंग सम इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोई बैटरी या फिर पावर यूज़ करके आपका काम आसान करती है, दैट मीन्स इट्स मशीन. तो कंप्यूटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और आपका बहुत सा काम ईजी कर देता है, इसलिए कंप्यूटर को मशीन कहते हैं. इट इज़ यूज्ड टू राइट, ड्रॉ, डू सम्स, प्ले गेम्स, लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच कार्टून, फिल्म्स एंड मूवीज. अब यहाँ बोल रहे हैं कि आपका कंप्यूटर कौन कौन सी चीज़ों के लिए यूज़ होता है. तो आपके कंप्यूटर में आप राइट कर सकते हैं, फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं, सम्स सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, प्ले गेम्स, गेम्स प्ले कर सकते हैं, लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक सुन सकते हैं, और कार्टून, फिल्म्स एंड मूवीज भी देख सकते हैं. आपका कंप्यूटर क्या करता है? इट वर्क्स वेरी फास्ट. हाउ योर कंप्यूटर वर्क्स? कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट. सपोज आपको, मैंने एक स्टूडेंट को बोली कि आपको एक पेज पर एक एप्लीकेशन, एक लेटर लिखना है, वन पेज का लेटर लिखना है, ठीक है, आपके यूजिंग योर हैंड पेन से, ठीक है. सेम चीज़ मैं दूसरे स्टूडेंट को बोलूँगी, दैट यू हैव टू राइट दिस लेटर, सेम लेटर इन योर कंप्यूटर, ठीक है. अब वो आपसे पेन, आप लिख रहे हो, आप यू आर राइटिंग द लेटर, और दैट अनदर स्टूडेंट इज़ राइटिंग ऑन द कंप्यूटर, इन द कंप्यूटर लिख रहा है, वो कंप्यूटर में अपनी राइटिंग वर्क कर रहा है. तो किसका सबसे पहले होगा? डेफिनेटली कंप्यूटर का पहले होगा. क्यों? कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट. उसे पेन का यूज़ नहीं करना है. पेन का यूज़ नहीं करेगा तो उसकी पेन ना रुकेगी, ना कहीं पर रॉन्ग होगा, ठीक है. अब कंप्यूटर कीबोर्ड का यूज़ करके वो अपना पूरा वर्क कंप्लीट कर लेगा विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक. नाउ इट डज नॉट मेक एनी मिस्टेक. आपका कंप्यूटर कोई मिस्टेक्स नहीं कर सकता. डेफिनेटली कंप्यूटर एक मशीन है तो वो कभी मिस्टेक्स नहीं कर सकता. कंप्यूटर में मिस्टेक्स कब होती है? जब कंप्यूटर पर वर्क करने वाला ह्यूमन बीइंग, इंसान, कोई मिस्टेक करता है, बाय मिस्टेक कोई गलत लेटर टाइप कर देता है या फिर रॉन्ग की प्रेस कर देता है, उसकी वजह से कंप्यूटर पे मिस्टेक्स हो सकती है. कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर कंप्यूटर को रॉन्ग मिलती है तो वहाँ पर मिस्टेक होगी. अदरवाइज कंप्यूटर ओन से कभी मिस्टेक्स नहीं करता. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. इट मेक्स आवर वर्क वेरी ईजी. कंप्यूटर हमारा काम बहुत ईजी करता है. कैसे ईजी करता है? सपोज़ मैंने आपको प्रोजेक्ट दी. अब एक स्टूडेंट को प्रोजेक्ट मैंने दी हूँ, आपको स्क्रैप बुक में एक प्रोजेक्ट बनाना है, और एक स्टूडेंट को मैंने प्रोजेक्ट बनाने के लिए कंप्यूटर यूज़ करने बोली हूँ, तो किसका प्रोजेक्ट ज़्यादा खूबसूरत और जल्दी बनेगा? डेफिनेटली कंप्यूटर वाले का, क्योंकि वो क्या करेगा, इंटरनेट से अपनी इमेजेस वगैरह डाउनलोड कर लेगा, इन्फॉर्मेशंस ले लेगा, इन्फॉर्मेशन लेके डायरेक्टली वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेगा, कंप्यूटर में से ही सब कर देगा. आपको न्यूज़पेपर से इमेजेस लेनी पड़ेगी, फिर ढूंढना पड़ेगा दूसरी दूसरी जगह जाके, इन्फॉर्मेशन को लिखना पड़ेगा, तो आपका काम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइटिंग वर्क बढ़ जाएगा. और कंप्यूटर क्या करेगा, आपका काम आसान कर देगा, आपका प्रोजेक्ट कंप्यूटर की वजह से जल्दी बन जाएगा. बिल्कुल उसी तरह से कंप्यूटर मेक्स आवर वर्क वेरी इजी. हमारा काम बहुत आसान करता है कंप्यूटर. नेक्स्ट वन इज़ इट कैन रिमेंबर मैनी थिंग. आपका कंप्यूटर बहुत सी चीज़ें रिमेंबर कर सकता है, याद रख सकता है. रिमेंबर जैसे कि मेमोरीज होती है, फ़ोन मेमोरी देखे होंगे आपने, आप कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हो आपकी फ़ोन मेमोरी में सेव हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह से आपका कंप्यूटर भी वर्क करता है. अगर आप आपके कंप्यूटर में कोई वीडियो डाले हो, अपनी वीडियो आपने इंसर्ट की है आपके कंप्यूटर में, या फिर आपकी बहुत सारी पिक्चर्स आपने इंसर्ट की है, देन यू आर वर्किंग ऑन
सम प्रोजेक्ट या फिर कोई इंफॉर्मेशन आपने बहुत सारी आपके कंप्यूटर में इंसर्ट किए, तो क्या करेगा कंप्यूटर, इट विल सेव योर ऑल द मेमोरीज, आपकी सारी मेमोरीज क्या करेगा कंप्यूटर, सेव करके स्टोर करके रखेगा। दैट्स वाई इट कैन रिमेंबर मैनी थिंग्स, इट डज नॉट गेट टायर्ड इवन इफ इट वर्क्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपका कंप्यूटर कभी टायर्ड नहीं होता, थकता नहीं है, अगर आप उसे देर तक चलाए या फिर पूरा दिन भी चलाए आपका कंप्यूटर कभी टायर्ड नहीं होता। सपोज मैंने एक स्टूडेंट को बोली कि आपको का आपको एक पैराग्राफ रिपीटेडली बार बार एक्सप्लेन करते रहना है स्टूडेंट्स के सामने। सपोज मैंने क्लास मॉनिटर है, क्लास मॉनिटर को बोली कि आप क्या करो, ये क्लास को एक लेसन एक्सप्लेन करो, और आपको वो लेसन बार 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 एक्सप्लेन करना है फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, क्या करेगा वो स्टूडेंट, थक जाएगा, बोर हो जाएगा, उसकी एक्सप्लेनेशन की स्पीड भी स्लो हो जाएगी। बट अगर सेम चीज़ मैं कंप्यूटर में एक वीडियो रन करके आपको एक्सप्लेनेशन दूँ और मैं कंप्यूटर को ये कमांड दे दूँ कि वो आपको वीडियो रिपीट करता रहे, कंप्यूटर विल नॉट गेट टायर्ड, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज कंप्यूटर इज़ अ मशीन। और जब मैं स्टूडेंट को बोलूँगी, स्टूडेंट इज़ अ ह्यूमन बीइंग, वो आपका वो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, तो ही विल गेट टायर्ड, बट कंप्यूटर विल नेवर गेट टायर्ड। इट कैन डू बिग कैलकुलेशन वेरी फास्ट, बड़े बड़े कैलकुलेशंस जो आप सॉल्व करते हैं आपका कंप्यूटर बहुत छोटे पीरियड में, बहुत स्मॉल टाइम में आपका कैलकुलेशन सॉल्व करके देता है और बहुत ही राइट और करेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड करता है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, अब ये है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स, आपका कंप्यूटर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को मिलाकर बनता है। जैसे देखो यहाँ पर सीपीयू है, मॉनिटर है, दे आर मॉनिटर, फर्स्ट वन मॉनिटर जो आपका टीवी स्क्रीन की तरह नज़र आने वाला स्क्रीन होता है, इट्स कॉल्ड मॉनिटर। देन सेकेंड वन इज़ कीबोर्ड, दिस इज़ द कीबोर्ड, कीबोर्ड पर बहुत सारी कीज होती है। थर्ड वन इज़ माउस, माउस टू और थ्री बटन्स कंटेन करता है। देन CPU, CPU आपका ये हॉरिजॉन्टल, बिग हॉरिजॉन्टल ब्लैक बॉक्स जो होता है उसे CPU कहते हैं। ठीक है, एंड देन प्रिंटर, प्रिंटर जो आपको प्रिंट करने की फैसिलिटी देता है। सपोज आपकी आपकी मॉनिटर स्क्रीन पे एक पैराग्राफ आया है, आप चाहते हो कि उसे पेपर पे प्रिंट हो वो पैराग्राफ, तो प्रिंटर की हेल्प से हम वो पैराग्राफ को प्रिंट करके एक हार्ड कॉपी यानी कि पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं। देन स्पीकर, स्पीकर मतलब स्पीक, म्यूजिक अगर सुनना है आपको तो आप स्पीकर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने देखे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसा वर्क करता है, कंप्यूटर क्या क्या वर्क करता है, और कंप्यूटर में कितने पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, इससे आगे जो लेसन है वो रीड करेंगे, जैसे कि हम एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे कि वो पार्ट क्या क्या है और वो कैसे वर्क करते हैं आपके कंप्यूटर के पार्ट्स। टिल देन घर पे पढ़ाई करते रहिए, सेफ रहिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।